हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी उनका करियर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी उनके लाइफ में कोई अनदर पर्सन है। वो रोमांटिक हो सकता है और उनके सिबलिंग्स, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ सुकून और शांति से रहें, तो ये थर्ड पर्सन वो होगा या वो होगी। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, बट स्टिल जोन से भी जोडियक साइंस नंबर डेट्स इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट होंगे मैं आपको बता दूंगी। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं डेक को शफल कर रही हूँ फ्रेंड्स, आपको आपके पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं जब भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः। लेट्स चेक। डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पर्सन के बारे में जो कि उन दोनों के बीच में हैं, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं। हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स ये एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की तरफ और ये एनर्जीज हैं उनकी आपकी तरफ। फ्रेंड्स मैं यहां पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूं। पहले बात करते हैं आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी की, ठीक है? क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज तो मैं बहुत बार अपडेट करती हूं एंड प्रॉपरली किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैम, बल्कि कुछ ज़्यादा लोगों ने ही थोड़े टाइम से कमेंट्स किए हैं कि मैम थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स अपडेट करो। तो यहाँ पर ये और थर्ड पार्टी साथ हैं, ठीक है? मतलब आउटर वे से लगता है कि ये दोनों एक टीम हैं। ये उनकी सुन रहे हैं, वो इनकी सुन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी है हर्मिट मोड। एंड हर्मिट मोड यहाँ पर ये बताता है कि थर्ड पार्टी के साथ या उसके आसपास ये फिजिकली हो सकते हैं। मतलब आउटर वे में लग सकता है कि ये उनकी सुन रहे हैं, उनकी मान रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कि ये उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इमोशनल तो देखो ये हैं, ठीक है? इमोशनल तो ये थर्ड पार्टी को लेकर हैं, लेकिन स्टिल ऐसा भी लग रहा है कि किसी तरह की मजबूरी में ये उनकी बात मान रहे हैं। हैप्पीली ये उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हैप्पी हम उनकी बातों को मानकर उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन ये पर्सन उस सिनारियों में नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी के हम कह सकते हैं कि वहां से इनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं या थर्ड पार्टी को इनसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं। कुछ फाइनेंसेस का इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या लेन देन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जब जब ये थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके एडवाइजेस लेते हैं, तो ये सैड और डिसअपॉइंटेड ही होते हैं। एंड ये इमोशंस हैं इनके उनको लेकर, लेकिन स्टिल मजबूरियां भी हैं। बहुत मजबूर हैं ये पर्सन
थर्ड पार्टी के आगे। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुझे ब्लैकिश एनर्जी भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये किसी ब्लैक एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर भी मजबूर और खुद को लाचार महसूस कर सकते हैं कि ना चाहते हुए भी इन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। वैसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन है इनके लाइफ में, इनके मदर, इनके फादर या मदरली और फादरली फिगर हो सकती है, जिसको मानना इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके इमोशंस वहाँ कनेक्टेड हैं। तो इन्हें लगता है कि इन्हें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी। तो फ्रेंड्स, आपके एक सिनारियों में इनका ये हाल है कि थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स रेज हुई हैं और शायद आज भी हो रही हैं। कुछ लोगों का कनेक्शन तो ऐसा भी चल रहा है कि हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है या फिर ख़त्म होने की बॉर्डर लाइन पर है। तो ये पर्सन इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आप दोनों के कनेक्शन को टोटली ख़त्म कर रही है, या फिर आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म है, सेपरेशन और पोज ऑलरेडी चल रहा है, वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। लेकिन इस पर्सन के दिल और दिमाग में आज भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। चाहे आप इनके कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, चाहे आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही हैं, ये पर्सन आपसे रोज थर्ड पार्टी की वजह से लड़ते झगड़ते हैं, जो भी सिनारियो है, बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। एंड कुछ हद तक ये आपको लेकर ऑब्सेसिव भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरफ अब एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, चाहे उस एक्शन के बाद थर्ड पार्टी इनसे बात करे या ना करे, बट इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। इस कनेक्शन की, आप दोनों के रोमांटिक जर्नी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं इम्पोर्टेंट जोडियक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो एरीज, लियो, सैज, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज प्रोमिनेंट है। नंबर और डेट्स की बात करूं तो 3/12/21/30, 4/22/13/31, 9/18/27, 3/12/21/30, ये नंबर और ये डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं, मेरे व्यूअर्स की साइड क्या सच में कोई एक्शन ले पाएंगे या सिर्फ सोच कर ही रह जाएंगे कि हाँ उन्हें इनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ओके? बिकॉज उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड रियली मैं सबके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही जो मुझे मोटिवेशन मिलता है उसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ये एनर्जीज अपडेट कर पाती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ। 7 of Swords एंड द डबल। फ्रेंड्स, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वे से लगता है कि थर्ड पार्टी जितनी भी मर्जी डोमिनेंट हो जाए बट आप दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकती। वो वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आ रही हैं, ठीक है? और ये पर्सन बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है, मैक्सिमम विद इन अ वीक और 7 आवर्स, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। वो वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब आपके पर्सन को ये कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हाँ, आपके कनेक्शन में किसी और की वजह से अप एंड डाउन चल सकते हैं बट आप दोनों को परमानेंटली अलग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग डील कर रहे हैं सोलमेट के साथ, और ये वाइब्रेशन आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट में हैं। वैसे तो आपके पर्सन का मैसेज आने वाला है,
और जिनको आप उनका मैसेज मिले प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट करना। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको रियल में कहना क्या चाहते हैं। सो लेट्स चेक। प्लीज़ गिव मी स्पेस। अगर इन्होंने हाल फिलहाल में मतलब ब्लॉक करा है या फिर बात करनी बंद की है, कम की है, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस आप इन्हें दे दें एंड डेफिनेटली आफ्टर डैट ये खुद ही आपको कॉन्टैक्ट बैक करेंगे। प्लीज़ लिसन टू मी। आप इन्हें सुने, अगर ये कॉल बैक करते हैं तो आप इन्हें सुने। ऑल विल बी वेल, सब ठीक हो जाएगा। आई कांट लिव विदाउट यू, सो स्वीट रियली। माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट टू, सेम दोनों मैसेजेस, सो क्यूट। वेटिंग फॉर वेडिंग, ये भी वेडिंग करना चाहते हैं आपसे। फीलिंग से भरा तेरा दिल, हमको हमी से चुरा लो। कौन सुनता है यार ये गाने, आपके पार्टनर्स या आप, ये गाने वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सुनना इनको बैठकर, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यू आर माई हार्ट बीट, तो डेफिनेटली अब क्या ही मैं बोलूँ, इतना भर भर के प्यार है आपके लिए। लेकिन थर्ड पार्टी ने ऑब्वियसली आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट की हैं, बट स्टिल आई थिंक आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस एंड एडवाइजेस हैं। द सन, एंड मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है टाइम और स्टार, कुछ चीज़ों की विजुलाइजेशन यहाँ पर आ रही है। तो स्ट्रांगली फीलिंग दैट कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। टोटली लक आपकी साइड में है, लव लाइफ में रियूनियन और वेडिंग आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि बस आपके पर्सन फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बस आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।